जिला पठानकोट में माइनिंग माफिया के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। वहीं जिला पठानकोट प्रशासन इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है और जिला प्रशासन द्वारा माइनिंग माफिया पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। वहीं जिलाधीश गुरदासपुर द्वारा शिकायतों के मिलने के बाद भुआ हल्के में वैध माइनिंग कर रहे ट्रकों व मशीनों को पकड़ा गया था, लेकिन जिला पठानकोट प्रशासन द्वारा तब भी कोई ठोस कदम माइनिंग माफिया पर नहीं उठाया गया। अब माइनिंग माफिया का ताजा मामला सुजानपुर के गांव मिर्जापुर का है, जहां पंचायत की जमीन पर एमएस ब्रिजस्टोन क्रैशर द्वारा मशीनों को लगा पंचायत की जमीन को छल्ली किया जा रहा है। मौके पर मेंबर पंचायत संदीप सिंह जब इस माइनिंग को रोकने गया तो वहां माइनिंग कर रहे लोग उसको जान से मारने की कोशिश करने लगे। वे गाड़ी को उसके पीछे दौड़ा दिया। वहीं संदीप सिंह ने भागकर अपनी जान बचाई है। पंचायत अफसर अश्विनी कुमार ने कहा है कि पंचायत की ओर से उन्हें लिखती रूप से एप्लीकेशन दी गई है, वे उस एप्लीकेशन को संबंधित थाना में भेज दिया गया है। मैं संदीप सिंह मेंबर पंचायत मिर्जापुर, मेरी जो क्रैशरां दे नाल लगदी 4 किले जमीन हैगी जी पंचायत की। मेरी जमीन दे विच बिज क्रैशर वाला नजायज़ माइनिंग करता जी। मैनू पहला भी 2 बारी रोकने की कोशिश की, अज फिर मैं मौके के उत्ते दी मशीन फड़ी आ, ठीक है जी। इन्होंने पिछले मैं मारन की कोशिश की है जी, मौके पर इन्होंने मेरे पिछे एक सेंटरों कार दौड़ाई है जी मारन लई। मौके दिनेश विज एक ओपरेटर एक गाड़ी का ड्राइवर सीगा जी, पिछे गाड़ी खड़ी है जी। इन्होंने जो मैं इन्हों रोकया इन्होंने मेरे मगर गाड़ी दौड़ाई है जी, फिर इन्होंने मैं मारन की कोशिश की आ। फिर मौके पर खड़े एक सरपंच है ना जी नाल के पिंड शहर कुलियाँ के, उन्होंने मैनू आके बचाया। फिर उन्होंने रल के फिर आप गाड़ी की चाबी कढ़ी है जी। कंप्लेन की पुलिस स्टेशन? कंप्लेन मैं पहला भी कर चुका जी, 15 तारीख में की है जी कंप्लेन, 236/F कंप्लेन नंबर है जी। पुलिस ने अज तक वो कोई कार्रवाई नहीं की जी। मैं पुलिस प्रशासन अगे यही मांग करदा कि इन्हों के उत्ते सख्त तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पिंड मिर्जापुर तो मेरी मिसिज सरपंच श्री सिया देवी जी, तो ये ब्रिज क्रैसर वाले ने जोड़े ये रोज़ इतने माइनिंग करते हैं, तो साडा मैंबर पंचायत संदीप सिंह अज जो इतने मौके पर आया तो उन्होंने इन्हों की मशीन की चाबी कढ़ी तो रोकने की कोशिश की, तो ये जोड़े ब्रिज क्रैशर वाले ने इन्हों हथबाई हुई तो इन्हों मारिया। मौके पर साढ़े दूसरे पिंड के सरपंच शहर कुलियाँ के श्री लेखराज जी भी मौके पर मौजूद सी, तो उन्होंने भी सारी घटना देखी हैगी। अही पुलिस प्रशासन अगर यही मांग करने कि इतने आके एक बार देखा जाए तो जो साडा इतने नुकसान होया भरवाई की जाए। किन्नी जमीन हैगी? 4 किले जमीन हैगी इतने जी। ये साड़ी जी पहला पंचायत हैगी उन्हें यी इतने बोली कराई हैगी जमीन की, ये बिल्कुल बगदी पैली सी, उन्होंने बोली कराई हैगी है, लेकिन हूँ देखा जाए कि जमीन की हालत हुई है इतने आके। अही पहला भी उन्होंने 2-3 बार रोकया गया लेकिन नहीं सुधरे, पर अही पहली पंचायत के उपर भी आरटीआई भी पाई हैगी ना, लेकिन अजे तक हमारी कोई भी मंग पूरी नहीं हुई, ठीक है जी। अही यही पुलिस अगे प्रशासन अगर यही मांग कर रहे हैं कि साड़ी भी कोई सुनवाई करो, तो कल यो जमीन अगले साढ़े खाते ही पा देंगे, अं कितों पूरी करके देंगे। मैं अपने बारे दसना चाहना है कि मेरे को पंचायत अफसर का चार्ज ब्लॉक सुजानपुर है, तो साढ़े ध्यान सरपंच ग्राम पंचायत मिर्जापुर ने लिया है कि उन्होंने पंचायत जी रावी दरिया के नाल लगती है उस गैर कानूनी माइनिंग हो रही है, इस संबंधी इन्होंने एप्लीकेशन दी है। असी एप्लीकेशन जी कार्रवाई करने वास्ते थाने लिखे